क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका हिंदी। तो इसमें हमने पढ़ा भी संज्ञा, नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा। उनके उदाहरण पढ़े। आज है क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे हम। आओ दोहराएं, आओ दोहराएं। तो यहाँ पे देखिए, आओ दोहराएं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है आपका, संज्ञा के तीन भेद हैं। क्या बता रहे हैं? संज्ञा के तीन भेद हैं, उनके नाम दिए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, चलिए अभ्यास, मौखिक प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है आपका नाम कौन सी संज्ञा है, आपका कोई नाम होगा, ओके, तो आपका नाम कौन सी संज्ञा है, तो आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना, आपका कुछ नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर है नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाम बताने वाले, तो नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फिर देखिए इसमें लिखित प्रश्न, ये तो मौखिक प्रश्न थे, लिखित प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा जिससे आपको किसी चीज़ का भाव होता है, तो जैसे आप कोई मीठा खाते तो क्या मिठास होती है उसमें, और किसी अच्छे से किसी को देखते हैं आप, बहुत आपको अच्छा लगता है, तो उसके सुंदरता का क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। तो मिठास और सुंदरता, इसके दो उदाहरण हैं। सेकंड देखिए, इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, ये आपको बुक में ही करना है। तो महेंद्र सिंह धोनी कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और है आपका संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे हर वर्ग के तीन संज्ञा शब्द लिखे। जीव जंतु का नाम लिखना हमने, तो तोता हो गया, कोयल, कौवा, कुछ भी आप इस पे जीव जंतु का नाम लिख सकते हैं। व्यक्ति का नाम, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने घर में किसी और का नाम लिख सकते हैं, या महात्मा गांधी का नाम, श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख सकते हैं। वस्तु में आपका पेन हो गया, बुक हो गई, टेबल हो गया, चेयर, आप कुछ भी यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। अब है कोष्टक में से उचित संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें क्या है, मेरा खिलौना टूट गया, मेरा टूट गया, तो खिलाड़ी तो टूट नहीं सकता, मेरा खिलौना टूट गया। नेक्स्ट है आपका ख, ख डेड जंगल का राजा, तो जंगल का राजा भालू होता है या शेर होता है, शेर क्या होता है, जंगल का राजा। ताजमहल डेडस कहाँ है, कानपुर में या आगरा में, तो आगरा में क्या है, ताजमहल है। और डेडस मीठा गाती है, कबूतर तो गाता नहीं है, तो कोयल क्या करती है, मीठा गाती है। आ जाइए आप 5 नंबर पे, दिए गए सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान और जो सही है उसके आगे। तो संसार में सबके अपने अपने नाम होते हैं ना, आपका नाम राम होगा, किसी का नाम गीता होगा, किसी का नाम सीता होगा, है ना, तो इसी प्रकार से सबके अपने अपने नाम होते हैं, सब एक जैसे नाम के नहीं होते, तो ये सही है। संज्ञा के चार भेद होते हैं, रॉन्ग, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। अमिताभ बच्चन स्थान का नाम है? किसी स्थान का नाम है? नहीं, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है आपका? गलत है, रॉन्ग है। फल, फूल व सब्जियों के नाम भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यस, सही है ये। तो जो फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां, ये भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसमें देखिए 6 नंबर पे आइए, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। जो आपको संज्ञा शब्द लग रहे हैं उन पे क्या करना है? रेखा करना है। यहाँ पे आलिया लिखा है, तो आलिया किसी लड़की का नाम है। आलिया पुस्तक पढ़ रही है, तो आलिया क्या है? संज्ञा शब्द है। बचपन के दिन अच्छे होते हैं, तो बचपन, बचपन पे क्या है? संज्ञा। तोता पिंजरे में बंद है, तोता क्या है? संज्ञा। चारों ओर हरियाली है, तो हरियाली भी क्या है? संज्ञा शब्द है। इस तरीके से देखिए इसको रचनात्मक कार्य, आपको इसको भी बुक में ही करना है। तो नीचे दिए गए वर्ग तालिका में वस्तु, व्यक्ति तथा स्थानों के 20 से अधिक नाम उन्हें ढूंढकर लिखने हैं। तो आपको इसको ढूंढ के या आप खुद से इसको करना है। जैसे इसमें देखो एक लिखा है लाल किला, तो यहाँ पे इस तरीके से लाल किला लिखना है। ओके, इसी तरीके से आपको और भी इसमें ढूंढने हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने जो मैंने अभी समझाए थे कुछ मैंने प्रश्न करके दिए हैं, इनको आपको करना है। ये आपका होमवर्क है और ध्यान से इसको पूरे पाठ को संज्ञा वाला, नाउन वाला पाठ आप पढ़ेंगे।